जी नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पेहवा रोड पर एक गाड़ी जो है वो पलट गई है, डिवाइडर से टकराकर कैसे अनियंत्रित हुई गाड़ी। अभी उसमें से एक युवक निकला है जो शायद गाड़ी का ड्राइवर या कंडक्टर है, वो भी घायल अवस्था में, मामूली चोटें शायद उसको आई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ से जो वाहन है वो गुजर रहे हैं। गाड़ी कैसे पलटी है यह जानकारी लोगों से ही लेते हैं, कैसे हुआ है अचानक ये हादसा। और जो व्यक्ति हैं ड्राइव कर रहे थे उनको चोट लगी है नहीं लगी है, पूरी जानकारी हासिल करते हैं लोग से। कैसे हुआ ये हादसा? हाँ जी, कैसे हो गया हादसा? दूसरी गड्डी वाला था साइड में पूरा। अच्छा, सामने से गाड़ी आ रही थी कोई? हाँ, सामने तो नहीं हुई, बराबर में खड़ी, चलो जोर मार दिया, बना था आवाज़ गड्डी वाला। अच्छा, अचानक जो है हुआ ये हादसा? हाँ, उसका गंदा है। तो कोई चोट तो नहीं लगी किसी? ना, चोट कौन लगी, बच्चे तो रहेंगे। गाड़ी पलट गई है? हाँ, ड्राइवर उड़ी। ड्राइवर कहाँ खड़े हैं उनके? जी दिखा दें आपको कि पंजाब नंबर ये गाड़ी है जो कि सड़क में खंभे से टकरा के पलटी है। ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इस समय की जो लाइव तस्वीरें हैं। गुरुद्वारे से भी गाड़ियां जो है अभी आ रही हैं और इसी रास्ते पर आते हुए ये गाड़ी हमें दिखाई दी कि गाड़ी अचानक पलट गई है। और क्यों हादसा हुआ ये जानकारी हासिल करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जी। संदीप, कैसे हुआ ये हादसा? ये ऐसा हुआ जी, आगे गाड़ी आ रही थी, जा रही थी, जाने लग रही थी गाड़ी। ये गाड़ी यही जा रही थी? ये यहाँ से आने लगी थी पीछे, एकदम ब्रेक मारी इसने, कोशिश भी करी है बचाने के लिए। अगली गाड़ी ज्यादा आगे गाड़ी स्पीड में थी और वो थोड़ा आवर टैक कर रहे थे। अच्छा, तो वो गाड़ी चली गई है। हाँ जी, अभी हुआ जी। ये पोल को टकरा गई गाड़ी फिर? हाँ जी, इसके ऊपर चढ़ गई थी डिवाइडर पे जी। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा गाड़ी वाला, किसी को चोट तो नहीं लगी? ना, ये चोट नहीं लगी, अब सही है जी, निकल चुके हैं जी। बाकी दूसरी गाड़ी में कौन था? दूसरी गाड़ी क्या था? ट्रक चार जने थे, एक दो लेडीज थी और दो जने और थे जी। वो कोई छोटी गाड़ी थी क्या? छोटी गाड़ी थी जी। वे कौन सी गाड़ी थी? ये अल्टो के करीब। अल्टो? हाँ जी जी। तो वो एकदम से फिर वो एकदम इसके ऊपर डिवाइडर पे चढ़ गई जी गाड़ी। जी जी। हाँ जी। तो इसको लेकर कोई नंबर वगैरह नोट किया आप लोगों ने? उस गाड़ी नोट किया है जी, वो भाई साहब है ड्राइवर है, उसने किया नंबर नोट। हाँ जी, बात करते हैं उनसे। एडवोकेट वेद वाल्मीकि हैं। वेद, जो अचानक ही हादसा हुआ बता रहे हैं कि गाड़ी जो है आगे निकल रही थी, कोई छोटी गाड़ी थी K103। हाँ जी, तो गाड़ी निकल रही थी, वो अचानक उसने कट मारा और ये गाड़ी उसके पीछे ब्रेक लगाते लगाते एकदम पलटी है, ऐसी जानकारी लगी है जी, क्योंकि लोडेड गाड़ी थी ये। हाँ जी, हाँ जी। तो वेद, ये नंबर लोगों ने नोट किया उस गाड़ी का, अभी देखते हैं, ड्राइवर से पूछते हैं। ड्राइवर अभी निकले हैं इसमें से बड़ी मशक्कत से। बचत यही है कि माल का नुकसान हुआ है, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बचाव रहा है। और गाड़ी का तेल देखिए किस तरह से निकल गया है, गाड़ी का तेल रिस रहा है। और ये बिल्कुल देखिए, शोकर जो है, एक्सल जो है वो टूट गए हैं, वो निकल गया है शोकर में से और पूरी तरह से नीचे वाला पोर्शन ये डैमेज हुआ है डिवाइडर पर चढ़ने की वजह से। तो यहाँ देखिए लोगों का तांता, लोग इकट्ठे हो गए हैं, लोगों की भीड़ लग गई है, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ की जो तस्वीरें हैं, ये देखिए डिवाइडर का जो पोल है ये किस तरह से बिखर गया है, ये पोल भी बिखर गया है। JCB जो बड़ी मशीन है वो बसें भी रूट चेंज करके आ रही हैं। और यहाँ पर जो है इसके गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनसे पता करते हैं कि वो ड्राइवर किस तरफ है। यहाँ पे लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, इसके गाड़ी के ड्राइवर कहाँ हैं आप थे? अरे कोई नहीं, चोट तो नहीं लगी ना किसी को आपके? है, क्या हुआ था? गाड़ी कौन सी थी आगे? कौन सी गाड़ी थी आगे? वो रीड थी, छोटी रीड थी। तो अचानक उसने कट मार दिया, सीधी चाड़ दी, जहाँ टेम्पू खड़ा आगे सीधी उसे चाड़ दी, उन्हें रोकने लगी, रोकी गाड़ी। आपने नंबर नोट किया उसका? नंबर उसके पास है, उसके लिखा है पता नहीं कितना, 24 पता नहीं कितना। तो कोई किसी तरह की छोटी मोटी चोट तो नहीं है ना आपको? कहीं ना कहीं सड़क पे CCTV कैमरे लगे होंगे, वो आ जाएगा कहीं ना कहीं। पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने? पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? पुलिस को सूचित करें, पुलिस कार्रवाई करेगी जरूर इसमें। पहले हमारे रिश्तेदार आएंगे फिर बताएंगे जी। इनके रिश्तेदार आएंगे, अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि बात कर सकें। और अभी पजल स्थिति में ये हैं जो गाड़ी के ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं। पंजाब की ये गाड़ी है और अचानक से गाड़ी पलट गई है, मुसीबत सिर पर आती है तो इसी तरह से आती है। और अभी क्रेन मंगवा के इस गाड़ी को सीधा करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जिस स्थिति में
गाड़ी का शोकर टूटा हुआ है, जिस स्थिति में गाड़ी अब पड़ी है, लग नहीं रहा कि गाड़ी चल पाएगी और गाड़ी लौट पाएगी। लोडेड है गाड़ी, काफ़ी वजन है उसमें। यहाँ जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं, काफ़ी पजल हो गए हैं गाड़ी के ड्राइवर और जो कंडक्टर, वो भी मुश्किल से निकले, मशक्क़त से निकले। वो जब हम लाइव स्टार्ट कर रहे थे तो वो उसी समय निकल ही रहे थे। गाड़ी का निचला पोर्शन डैमेज हुआ है, ये देख सकते हैं आप। शोकर जो है, शोकर में से और ये कुछ नट्स निकल गए हैं, जहाँ से गाड़ी अब ये सीधी नहीं हो पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी ऐसा लग रहा है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं, वही बात आती है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में सभी तस्वीरें दर्शकों तक लाने का प्रयास करते हैं और लाइव के ज़रिए वो तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, जहाँ गाड़ी अचानक पलटी और गाड़ी पलटने पर कैसे भीड़ इकट्ठी हो गई। और गाड़ी चालक ने भी बताया कि उनके रिश्तेदार आएंगे, उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे। पजल पोजीशन में लग रहे हैं, अचानक ये हादसा हुआ है, पंजाब की गाड़ी है और हरियाणा में हादसा हुआ है, इस वजह से भी वो पजल नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज, और सभी तस्वीरों को, सभी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुँच सकें और लाइव खबरें आपको हम दिखा सकें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। जब भी हमें मौका मिलता है हम इस तरह की खबरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। गुला चिका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।